ओम शांति। अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे 21 जून के ईश्वर प्रदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम सच्ची सच्ची पवित्रता के द्वारा हम आकर्षित मूर्त बने और साथ ही साथ हम वो खुशबू फैलाएं पवित्रता की, जो कि परमपिता परमात्मा से हमें मिलती है, ताकि हम भी परमात्मा जैसे ही आकर्षण मूर्त बन पाए। तो देखें परमात्मा कहते क्या है इस वरदान में, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भवा। रंग हुआ सफेद पवित्रता और रूप हुआ चमकता हुआ रूप फरिश्ते जैसा, के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भवा। कहने का अर्थ यह है, ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है। रंग हुआ प्योरिटी का और साथ साथ रूप हुआ फरिश्तों का, रूहानी हो गया है। लेकिन खुशबू नंबर वार है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। शारीरिक तरीके से तो हम एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों को, चार व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं ये जो अलौकिक रूहानी आकर्षण करने वाली शक्ति है, ये आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए, कंप्लीट प्योरिटी। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। इस शरीर के लिए कुछ चाहिए हो, इस शरीर के निर्वाह के लिए कुछ चाहिए हो, आपने कुछ सेवा करी लेकिन आपको कुछ गिफ्ट चाहिए हो, ताकि शरीर का निर्वाह हो, शरीर की पालना हो, शरीर का नाम मान शान हो, ये इच्छा रखना भी अपवित्रता है। परमात्मा कहते हैं मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए, कि परमात्मा से मुझे प्यार शक्ति प्रेम आनंद मिले, मुझे और किसी से कोई इच्छा नहीं है। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी। संबंध मतलब और के संबंध में आए, किसी ने कुछ ऊपर नीचे कहा, किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने आपको स्तुति दी, आपका मान किया, उसमें अगर आप फिसल गए तो या तो आपको अभिमान आ जाएगा या तो आप निराश हो जाएंगे। दोनों ही चीज़ में ऊपर नीचे नहीं होना। और संस्कार में भी ब्रह्मचारी, संस्कार मतलब कि किसी ने आपसे कुछ इच्छा रखी और आपने उसकी पूर्ति करी, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं दी या उस व्यक्ति ने आपको इतना पूछा नहीं, तो आपके पुराने संस्कार आ गए और आपको इंसल्ट महसूस हुई, आपको महसूस हुआ कि मैंने इतना किया लेकिन मेरे लिए कुछ किया नहीं गया। यह भी संस्कार में भी ब्रह्मचारी, कोई भी इच्छा नहीं अपवित्र। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं, नहीं तो दूसरे क्या करते हैं, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और अपवित्र संबंध रखना शुरू करते हैं और लेन देन शुरू करते हैं, जिस कारण से सुख शांति खुशी आनंद सब कुछ आस्ते आस्ते खत्म होता जाता है और संबंधों में भी मोटमोटाप आता है और साथ ही साथ लोग आपस में से दूर होने शुरू होते हैं इस अपवित्रता के कारण। आज के ईश्वर वरदान, अगर आप चाहते हैं कि ये इम्प्योरिटी अगर आपके जीवन में है तो ये कैसे निकले और आप कैसे सच्चे सच्चे संबंध बना पाए, ताकि परमात्मा से आपको प्रेम और सुख और शांति मिले, इसके लिए ब्रह्म कुमारीज में आकर के इस ज्ञान को ले सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।